जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे देश में वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें, जैसे कि दुरंतो, राजधानी, ये सभी ट्रेनें हमारे देश में चलती है, लेकिन उनकी फुल रफ्तार में आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे नहीं चला पाती है। क्या कारण है कि ऐसी ट्रेनों को इंडियन रेलवे अब हाई स्पीड यानी कि उसकी फुल रफ्तार में चलाने का सिस्टम लेकर इंडियन रेलवे आ चुकी है, तो मैं आपको उस सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इंडियन रेलवे अब कुछ जगहों पर तो अप्लाई कर दी है, लेकिन कुछ जगहों पर अप्लाई करने जा रही है, जहां हमारी जो वंदे भारत और तेजस राजधानी जैसी ट्रेनें हैं वो अपनी पूरी रफ्तार में यानी कि 160 से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली है। तो कौन सी ऐसी सिस्टम है जो इंडियन रेलवे अप्लाई करने जा रही है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के इन तक बने रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू कर। दोस्तों, नए साल में वंदे भारत शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस श्रेणी की ट्रेनें 160 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी। इससे भोपाल से दिल्ली तक का सफर करने वाले के लिए करीब 25 से 30 मिनट का बचत होगा। रेलवे लंबे समय से लंबे सेक्शनों में थिक वेव स्विच लगा रही है। पहले चरण में मथुरा से झांसी तक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हालांकि झांसी से बीना और बीना से भोपाल तक 130 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार मिलती। अब मैं आपको बताता हूँ कि थिक वेव स्विच है क्या, है कैसे काम करता है। ट्रेन के ट्रैक बदलने और टर्निंग पर थिक वेव स्विच को पॉइंट्स पर लगाया जाता है। ट्रेन जब भी स्टेशन को क्रॉस करती है, इसकी स्पीड को कम नहीं करना पड़ता है। ट्रेन को लगातार हाई स्पीड पॉइंट के ऊपर से निकाला जा सकता है, इस वजह से स्पीड हाई बनी रहती है, इससे समय की भी बचत होती है। नई दिल्ली आगरा मथुरा तक थिक वेव टेक्नोलॉजी से स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। इसका RKMP से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ने उद्घाटन के दिन 161 की स्पीड का रिकॉर्ड भी बनाया। नई दिल्ली से RKMP के बीच चलने वाली समय में नई टेक्नोलॉजी से बचत होगी। वापसी की यात्रा से वक्त भी बचेगा। यात्रियों को समय के साथ साथ अपने जो गंतव्य स्थान तक के लिए मेट्रो भी लेना होगा, तो अपने समय से पहुंच जाएंगे और उनको आगे का भी सफर आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी से इंडियन रेलवे बहुत जल्द इस टेक्नोलॉजी को इस रूट पर अप्लाई करने जा रही है, जिससे हमारी वंदे भारत तेजस हो या गतिमान, उसकी सभी की स्पीड दुगुन यानी कि 100-120 नहीं बल्कि 160 से ऊपर की स्पीड इंडियन रेलवे कवर करना चाहती है। और इस सिस्टम की वजह से बहुत जल्द इंडियन रेलवे इस स्पीड को हासिल कर ले, जिससे हमारी वंदे भारत ट्रेन जो कि उसका मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर है, लेकिन वो कभी भी अपने पूरी रफ्तार में नहीं चल पाती है। लेकिन इस सिस्टम के लागू हो जाने के बाद हमारी वंदे भारत ट्रेन भी अपनी पूरी रफ्तार में आपको चलती हुई दिखाई दे। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।